से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल मेरे पास आया है, माता मरियम के अनेकों ऐसा चित्र और मूर्तियां देखने के लिए मिलते हैं जिसमें माता मरियम एक सांब के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है। कुछ ऐसा मूर्ति है जो सांब के मुंह में एक फल, एक एप्पल को रखा हुआ, और माता मरियम सांब के सिर को कुचलता हुआ। तो सवाल है, ये क्यों ऐसा मूर्ति बना है? बहुत अच्छा एक सवाल है। अनेकों लोगों को इस प्रकार का डाउट है, क्यों इस प्रकार जो मूर्ति या तस्वीर बनाया है। कलाकार को बनाने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3:15 का जो वचन हम सब जानते हैं, जब आदि माता पिताओं ने पाप किया, ईश्वर आकर के सांब को शाप देते हैं। उसको थोड़ा पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3:15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। फिर से पढ़ लेता हूं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। तो हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर मैं तेरे और स्त्री के बीच, उसके वंश और तेरे वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा करके लिखा है। यहां पर जो वह तेरा सिर कुचल देगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन में जो आया है, वुलगाता बाइबल के अंदर उस जगह पर स्त्री को इशारा किया, और उस कारण 1609 में एक ट्रांसलेशन हुआ, दोई रिंस कहते हैं उस बाइबल ट्रांसलेशन। उस बाइबल के अंदर साफ साफ स्त्री शैतान का सिर को कुचलने का विषय में ही लिखा हुआ है, साफ साफ उसके अंदर लिखा। और उसके अनुसार जो चित्रकार ने, कलाकार ने ये जो चित्र बनाया या मूर्ति बनाया है, जिसके अंदर माता मरियम का पैर शैतान का या सांब का सिर को कुचलता हुआ दिखाया है। अभी सवाल है, ईसा मसीह ने शैतान का सिर कुचला है या माता मरियम ने सिर कुचला है? हमें उसमें ज्यादा डिबेट में जाने की जरूरत नहीं। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 2:14 को पढ़ेंगे, Hebrews 2:14, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, 14, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपने मृत्यु द्वारा, ईसा मसीह अपने मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें।
यहां पर हमें बता करके देता है ईसा मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर दिया। ईसा मसीह ने अपने दुख भोग अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर को कुचला है, शैतान को परास्त किया है। ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह इसलिए संसार में प्रकट हुआ, इसलिए आया है ताकि शैतान के हर कार्य को समाप्त करे, उसको परास्त करे। तो माता मरियम शैतान का सिर को कुचलता हुआ क्यों फोटा है? इस फोटो इस मूर्ति केवल एक बात बता करके देता है। उस मूर्ति को हम लोग बुलाते हैं दैट इज सिंबल ऑफ मेरीज विक्ट्री ओवर सैतान। इट्स विक्ट्री ओवर सैतान, सैतान पर विजय को दर्शाने वाला एक चिन्ह है वो। इसके अंदर कौन सैतान का सिर को कुचला ये नहीं, बल्कि वो सिंबल ये बताता है मरियम के कारण या माता मरियम ने ईसा मसीह को जन्म दिया इस कारण, या माता मरियम के जो स्वभाव, माता मरियम के जीवन के द्वारा माता मरियम उस शैतान पर विजयी है, विजय को शैतान पर विजय को वो दिखाते हैं। केवल माता मरियम को नहीं, यदि हम लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 17 से आगे पढ़कर के जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह ने जो 72 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए दो दो कर करके भेजा था, वे वापस आकर के मसीह को रिपोर्ट दे रहा है। क्या बोला? ईसा मसीह को आकर के बोलते हैं, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन हो गए। देखो ईसा मसीह ने जिन चेले लोगों को भेजा उनके अधीन भी शैतान होने लगी। तो यहां पर केवल माता मरियम का नाम लेकर के हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर शिष्य लोग जो मसीह ने जिन्हें भेजा है उनको अधिकार मिला है शैतान को परास्त करने के लिए। ईसा मसीह के नाम लेते ही शैतान उनके अधीन होता है। तब मसीह ने क्या कहा? मैंने आकाश से स्वर्ग से शैतान को बिजली की तरह नीचे गिरते हुए देखा है। वाक्य 19 में कहता है, सांबों बिच्छुओं और बहरी के सब शत्रुओं पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हारे पैरों के नीचे इन शत्रुओं को इन शैतानी ताकतों को कुचलने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। मसीह के नाम पर उन चीजों को उन शैतान को अपने पैरों तले कुचलने का अधिकार मसीह ने हम हर एक क्रिस्तियों को दिया है। तो शैतान पर विजय का चिन्ह है ये शैतान के ऊपर या सांप के ऊपर पैर को रखकर के कुचलता हुआ दिखाया हुआ। तो शैतान को कुचलने वाला, शैतान पर विजय प्राप्त करने वाली मां का एक रूप है। इसलिए हमें ज्यादा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है। अब कैसे हो सकता है? माता मरियम का ही लाइफ को ले लीजिए। स्वर्गदूत गब्रियल का अभिवादन और इसके बाद उनके द्वारा जो संदेश सुनाया, माता मरियम ने उस पर विश्वास किया और अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, ईश्वर का वाणी मुझ में पूरा हो। इसके लिए वो संपूर्ण रीति से समर्पित किया। माता मरियम इतना विनम्र स्त्री थी, इसलिए कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूं। अपनी उस विनम्रता के द्वारा शैतान को कुचला है।
माता मरियम जीवन के अंत तक पवित्र रही, शुद्ध रही। इसलिए अशुद्धता में शैतान को हावी होता है, शैतान विजयी होता है। जहां एक व्यक्ति अपने को विनम्र करते हैं, ईश्वर का आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री बनकर के रहते हैं और विशुद्धि का, पवित्रता का जीवन जीते हैं, उन्हें शैतान के ऊपर अधिकार है। शैतान उनके पैरों के नीचे कुचल जाता है। तो ईसा मसीह शैतान पर विजय प्राप्त किया है, इसलिए माता मरियम के पैरों के नीचे सांब नहीं होना चाहिए। ये वाद विवाद करना गलत है। हम प्रत्येक को यह अधिकार दिया और माता मरियम हमारे लिए प्रेरणा देता है कि मां मरियम के समान हम भी रह करके शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलना है। तो माता मरियम का वो मूर्ति में कोई गलती नहीं। मेरे विचार में आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मैंने पढ़ा इसके विषय में, थोड़ा जब खोज किया, जब चर्च फादर्स जैसे संत आयरिनियस हो, यूजबियस हो, ऐसे ऐसे जितने भी चर्च फादर्स इस विषय में कहते हैं, माता मरियम के विनम्र स्वभाव, पवित्रता, विश्वास की जीवन और ईश्वर का वचन अपने जीवन में पूरे होने के लिए जो समर्पण, ये सब शैतान को तो परास्त किया है। जो हेवा ने अपने को शैतान के अधीन कर करके शैतान की गुलामी लिया अपने पापों के कारण, उस पाप का, उस स्वभाव का विरुद्ध में माता मरियम जीवन जीते हुए उस पराजय को यहां पर विजय बनाया। जैसे ईसा मसीह दूसरा आदम कहते हैं, माता मरियम को दूसरी हेवा कहते हैं। हेवा के जो गलतियां, हेवा के द्वारा जो पाप के संदान इस संसार में आए, अब मां मरियम के द्वारा पवित्रता का, ईश्वर के संदान इस संसार में आ रहा है। इसलिए माता मरियम शैतान पर विजय प्राप्त करने वाली है। और हम एक और वचन को देख सकते हैं, प्रकाशना ग्रंथ का, वो भी बहुत सुंदर वचन है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 17 को, प्रकाशना ग्रंथ का बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17, या वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ। इसे पहले हम लोगों को मिलेगा वाक्य 8 के अंदर, महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, शैतान के वश में नहीं आए। वाक्य 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, महिला को विशाल गाय गरुड़ की दो पंख मिले जिसे वह मरुभूमि की ओर उड़ जाए, और उन शैतान ने अपना मुंह से जलधारा निकाला नदी के समान, ताकि नदी के द्वारा उस महिला को नष्ट कर दें। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, वो धरती भूमि स्वयं ये उस नदी को निगल गई। ये देख करके पंखदार सर्प को और गुस्सा आ रहा है, महिला पर क्रोध हुआ। और इसके बाद आगे लिखता है, वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, क्योंकि महिला पकड़ में नहीं आई, इसलिए शेष संतान अर्थात जो मसीह के में विश्वास करते हुए एक चक्रस्थीय जीवन जीते हैं, माता मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हुए मां के द्वारा उस स्वर्ग राज्य की यात्रा कर रहे हैं, उन बच्चों के पीछे पड़ेगी, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। शैतान पीछे पड़ गया, महिला के साथ क्रोध हुआ, क्योंकि वो आदि से महिला के पीछे पड़ा है, क्योंकि उस महिला के द्वारा शैतान का सिर कुचलने वाला वो मुक्तिदाता का जन्म होना है। संत योहन
बहुत सुंदर तरीके से भद्रे भद्रे कह करके इस बात को प्रकाश में लेके आया। वो भद्रा, वो स्त्री, वो महिला मां मरियम है जो शैतान का सर कुचलने वाला उस मुक्ति दादा को जन्म देने वाला। तो पुत्र का विजय मां का विजय है, और अपने जीवन के द्वारा शैतान को अपने पैरों तले कुचलना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, माता मरियम के साथ मिलकर हम भी प्रयत्न करेंगे अपने विनम्र स्वभाव के द्वारा, ओबीडियंस और हम्बलनेस, वो बिल्कुल आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर के और अपने को शून्य बनाते हुए इस मसीह का वो मनोभाव के समान, माता मरियम के समान विनम्र बन करके और अपना पवित्र जीवन के द्वारा पवित्रता की साधना करते हुए हम शैतान को अपने पैरों तले कुचलेंगे। विश्वास के जीवन, यह सब जिस प्रकार माता मरियम को शैतान पर विजय का कारण बना, हम भी ऐसा बनेंगे। निर्णय कीजिए अपने को विनम्र करने का, पवित्र जीवन जीने का, विश्वासी भक्ति का जीवन जीने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।